वीरवाल दिवस धर्मर रक्षा पाई साहेबजादा जोरावर सिंह एवं साहेबजादा फतेह सिंह बलिदान को मने पकाई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ स्थित निज बासभवन में आयोजित कार्यक्रम में योगी कहते साहिब जादेव त्याग और बलिदान को पूरा देश मन पकाउछि। सिख धर्मर दशम गुरु गोविंद सिंह चारि साहिबजादे को नमन करिछन्ति। कहिछन्ति सिख धर्म देश पई सबुबेले बलिदान दे आसिछि, सेतिपई आज पूरा देश साहेबजादे मानंकु मने पकाउछि। एही अवसर रे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिख धर्मर प्रतीक पगड़ी परिधान करबा सह गुरु ग्रंथ साहिब को मुंडरे मारिथिले। जिस दिवस को बाल दिवस के रूप में, वीर बाल दिवस के रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए, उसे वीर बाल दिवस का सम्मान न देकर के लोग उसको विस्मित कर गए और बाल दिवस के रूप में कुछ और ही घटनाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाने लग गया। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आदेश से गत वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मान्यता मिली और आज हम सब यहां पर मुख्यमंत्री आवास में एक बार फिर से पांचवें इस समारोह के अवसर पर एकत्र होकर के इस महान गुरु परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। अब याद करिए कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में बलिदान हुए। हम सब के लिए प्रश्न वही है, क्या सिख गुरुओं का बलिदान क्या व्यक्तिगत के लिए था, परिवार के लिए था? नहीं, इस देश के लिए था, इस धर्म के लिए था। गुरु नानक देव जी से जो परंपरा प्रारंभ हुई, वह एक संत थे, भक्ति में रमे हुए थे, अद्भुत सिद्धि थी, भक्ति का जागरण करते थे। लेकिन भक्ति में भी शक्ति होती है। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।